अब्दुल अजीज मिर्जा बीजेपी का प्रेसिडेंट सोनकोट से आवाम से अपील कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी ये जो इस वक्त कोरोना की वबा जो फैली है पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में खासकर बहुत ज़्यादा खतरा है क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है। तो पूरे हमारे पूरे मुल्क में जो इस वक्त वबा चल रही है, तो इस वक्त अलर्ट जो मोदी जी ने किया है बहुत अच्छा किया है, लेकिन आवाम से मेरी अपील है कि मेहरबानी करके बार बार जो सरकार अपील कर रही है, यहाँ का DC अपील कर रहा है, यहाँ के गवर्नर अपील कर रहा है कि लोग घर में बैठे बाहर न जाएं। इवन के वो कह रहे हैं कि इबादत के लिए मंदिर में मस्जिद में वो ना जाएं, अपने घर में बैठ के इबादत करें, खुदा को याद कर रहे हैं तो घर में बैठ के करेंगे, बाहर जाना जो है वो मुनासिब नहीं है। और मैं इस वक्त जितने भी सरपंच हजरात हैं 72 पंचायतें हैं सोनकोट की, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी कोई भी आदमी जब बाहर से अगर आएगा तो फौरी तौर पर तहसील इंतजामिया को इन्फॉर्म करें। यहाँ SDM साहब बैठे हैं, तहसीलदार साहब बैठा है, SHO बैठा है, BMO साहब बैठे हैं, ताकि फौरी तौर पर उनको उनके साथ रब्ता कायम करके इस मर्द की जो बीमारी है, ये एक लिहाज से छूतछात की बीमारी है, ये बहुत बड़ी बड़ी जंग है। ये मैं कहता हूँ ये 4th-5th जंग जो है दुनिया में, ये सबसे बड़ी खतरनाक जंग है। इसके बचाव के लिए आवाम को सरकार का पूरा तामन चाहिए। और मैं बार बार ये फिर अपील करूंगा यहाँ के खासकर जिला पुंछ की आवाम से कि मेहरबानी करके खुदा रहा अपने आप को बचाने के लिए, अपनी आवाम को बचाने के लिए आगे आए और घर में बैठे बैठकर ये हर आदमी ये मैसेज दे कि वो मेहरबानी करके घर में बैठे और बाहर ना निकले बगैर काम के। हमारे कुछ लोग जो है वो इस पर का पालन नहीं कर रहे, मैं उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि वो घर में बैठ के अपने काम काज में अपने घर में बैठ के करें, किसी को घर ना आने दें, किसी के घर ना जाएं। दूसरी एक बात है, मरकजी सरकार इस वक्त जो है वो आवाम के लिए एक इमदाद की सूरत में, एक रिलीफ की सूरत में आवाम को राशन मुहैया करना चाहती है। जो बिना पावर्टी लाइन के लोग हैं उनको इमदाद करना चाहती है। उस सिलसिले में मेरी DC साहब से भी बात हुई, मेरी कल जम्मू हमारे जो BJP के प्रेसिडेंट हैं रैना साहब, उन्होंने भी एक घंटा यहाँ अपना मैसेज दिया आवाम के नाम पर, खिताब किया, उन्होंने हुक्म दिया कि जितने भी BPL के लोग हैं, जो खासकर जो मुतासर लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो दिन को दिन दिहाड़ी में खाना खाते दिन को खाना खाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, उनकी डिशें वगैरह जो है वो बना के सरकार को दो दें ताकि सरकार उनके लिए मुनासिब इंतजाम करे। मैं जितने भी सोनकोट तहसील के सरपंच हजरात हैं, चेयरमैन हजरात हैं या म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर हैं, मैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके एक दो दिन में जितने भी गरीब लोग हैं उनकी लिस्ट तैयार करके वो अगर वो मैं माजर चाहूँगा उनसे वो मुझे दें, ताकि मैं आगे दे के अपने ज़िला के जो हमारे हम प्रेजिडेंट्स हैं उनको दूँ और वो ऊपर भेजेंगे, ताकि बहुत जल्द उन लोगों के लिए कोई मुनासिब इकदाम किया जाए। मैं एक बार फिर तमाम सरपंच हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो सरकार की मदद के लिए सामने आके लोगों से बार बार अपील करें, अपने घरों में लोगों को तलकीन करें कि वो अपने घरों में बैठें। और ये जो लिस्टों का मसला है, गरीब लोगों के राशन का मसला है, उनके लिए भी वो बहुत जल्द अपनी लिस्टें भेज रहा, ताकि कोई गरीब आदमी रह न जाए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जिला इंतजामिया से कि मेहरबानी करके ये लोग इस वक्त भूखे मर रहे हैं, उनकी यहाँ सब्जी दूध की बहुत किल्लत है, यहाँ जो है वो उसके लिए मुनासिब इकदाम किए जाएँ। दुकानें बिल्कुल बंद हैं, लोग परेशान हैं, इस वक्त जो नमक तक नहीं मिल रहा,